जिसने भी किडनैपिंग कराई है ना, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए, जो शायद हमें करवाना चाहिए था किसी और ने कर दिया। मतलब अंकिता कंपनी की बॉस है, और जब कंपनी का बॉस गायब होता है ना, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एनीथिंग। वही हमें करना है, हमें मानव की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। परी, इस काम के लिए ऑलरेडी मैंने एक एम्प्लॉय से बात कर ली है। कल तुम्हारे ऑफिस में वो एम्प्लॉय एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका सोल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास होगा। परी, वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी। और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस उस कंपनी में इतनी बढ़ जाएगी, अंकिता भी उसे कम नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स अ ग्रेट आइडिया मॉम। एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, क्या अंकिता की किडनैपिंग तुमने तो, यू नो, तुम्हारे पास तो हर वजह है, राइट? मॉम, मैं जानती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अंकिता यहाँ से चली जाए, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो किसने किया है? जिसने भी किया है, हमारा बहुत फायदा हो गया उससे। देखो परी, अगर कल तुम सक्सेसफुल हो गई तो अंकिता के आने के बाद आपको लगता है अंकिता वापस आएगी? नहीं, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। जब छोटी माँ आएगी तभी खा लूंगी। अरे वैष्णवी बेटा, अच्छे बच्चे ऐसी जिद नहीं करते। तू अच्छी बच्ची है ना, हैं? ले खा ले। तेरी छोटी माँ आएगी और उसे पता चलेगा कि हमने तुझे खाना नहीं खिलाया तो हमें डांटेगी ना वो राजा। डांटने दो। वैष्णवी, आप तो अच्छी बच्ची हो ना, और कहना भी मानते हो, है ना? तो प्लीज खाना खा लो। अगर आप ज्यादा देर भूखे रहोगे ना, आपके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, और वैसे भी आपकी छोटी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी। खा लो। किनारी आंटी ने ऐसा क्यों कहा? मेरी छोटी माँ नहीं आएगी। अरे उनके कहने का मतलब था कि आपकी छोटी माँ आज नहीं आएंगी, 2-3 दिन बाद आ रही। हाँ। इसलिए अब खा लो, गुड गर्ल। नहीं, मुझे नहीं खाना। जब छोटी माँ आएगी तभी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपकी छोटी माँ से बोल दूंगा कि जैसा वो वैष्णवी के बारे में सोचती है वैसी वैष्णवी बिल्कुल नहीं। मतलब? मतलब छोटी माँ तो बोलती रहती है कि वैष्णवी इतनी अच्छी लड़की है, टाइम पे खाना खाती है, बड़ों की बात सुनती है, बिल्कुल जिद नहीं करती है, लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हो। उनको बता दूं मैं ये? और मैं आपके बारे में एक और बात बताऊं। क्या? वो ये कि आप अपना ख्याल बिल्कुल अकेले रख नहीं सकती, आपको हमेशा छोटी माँ की जरूरत होती है ना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हाँ, उनको भी यही लगता है कि आप नहीं रख सकती, लेकिन पता है क्या हुआ? उन्होंने, वो किन्नरी आंटी है ना, उनके साथ शर्त लगाई है। कैसी शर्त? अरे शर्त में यही तो है कि आपकी छोटी मम्मी को लगता है कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो टाइम पर, सुबह उठ भी सकते हो, स्कूल भी जा सकते हो, तैयार भी हो सकते हो, और वो किन्नरी आंटी है ना, उनको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई मुझे तो लगता है कि किन्नरी आंटी जीत जाएंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं? मैं छोटी माँ के बगैर रह सकती हूँ, अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। अच्छा? आप देखना, मैं ये शर्त मेरी छोटी माई जीतेगी। नहीं नहीं, हमारी किन्नरी आंटी जीतेंगी। नहीं, छोटी माँ जीतेगी। किन्नरी आंटी जीतेंगी। नहीं नहीं, छोटी माँ जीतेगी। अरे नहीं नहीं, किन्नरी आंटी जीतेगी। छोटी माँ जीतेगी। मैं खाना खा लूंगी। ठीक है, खा के दिखाओ। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। होश में लाओ इसे। कौन हो तुम लोग, क्यों लाए मुझे यहाँ पर? मास्क हटाओ इसका। ये तो फिर से बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद होश में आ जाएगी।
तक सोई नहीं तुम? नहीं, वो प्रशांत के साथ बैठी थी, तो उसके सोने का वेट कर रही थी, अभी सोया है। जाओ तुम भी जाके आराम कर लो, थकी होगी। ताई वापस तो आ जाएगी ना, इतने सालों बाद वो वापस आई है, और फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया, पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी, मैं उसे फिर खोना नहीं चाहती। वो आ जाएगी वापस, डोंट वरी। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है ना? सो डोंट वरी, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और ये भी जो हो रहा है, ये इस सब की शुरुआत आपसे ही हुई है। मुझसे? मतलब क्या कहना चाहती हो? अगर तू ये बात किसी को नहीं बताएगी कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, नरेन जीजू का ही है, तो तेरे ऊपर कितनी उंगलियां उठेंगी, कितनी बदनामी होगी तेरी। कर लूंगी मैं बर्दाश्त, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, और इन सारी चीजों से बढ़कर एक और चीज है मानसी, नरेन सर की खुशियां। मुझे पता है कि उनकी खुशी परी में ही है, और वो उसी के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा। ताई ने पैसों की वजह से आपसे शादी की, फिर आप ठीक हो गए और वो शादी उसे तोड़नी पड़ी। उसकी प्रेगनेंसी की बात सबको पता चल गई, और इसी वजह से हम सबको छोड़ के उसे दूर जाना पड़ा। तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, वो भी कड़वा तुम्हारे मन में आज निकाल दो, कह दो जो भी तुम्हें और कहना है। रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाइए, कल फिर से बहुत भागा दौड़ी करनी है, बस मैं चाहती हूँ ताई मिल जाए। जरूर मिल जाएगी। बाय द वे, थैंक यू। थैंक्स इसलिए? वैष्णो साहब का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आपने उसे इतनी अच्छी तरह हैंडल किया। जाओ जाके सो जाओ, और हाँ, बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है कि अंकिता किडनैप हो गई है, उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, और स्पेशली वैष्णो को, उसको मत बोलना, ठीक है? सॉरी नरेन, आपकी बातें मैंने सुन ली, अंकिता की किडनैपिंग की बात आप बच्चों से छुपाना चाहते हैं ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगी, खास करके आपकी लाडली वैष्णो को बताऊंगी, बहुत मजा आएगा। बगैर ही सो गए? हाँ, वेट करते करते आंख लग गई होगी, नहीं तो मेरे बगैर सोती नहीं है ना। मैं वैष्णवी के साथ था, वो अंकिता को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए चलो अच्छा है सो गई। एक काम करो, तुम भी सो जाओ, कल का दिन पता नहीं कैसी खबरें लेके आएगा। अरे प्लीज परी, तुम पॉजिटिव सो जाओ। नरेन, मेरे शुभ बोलने से क्या होगा, प्रशांत की हालत देखी ना तुमने, पता नहीं अंकिता का क्या हाल होगा। जस्ट बी प्रिपेयर्ड। कुछ नहीं होगा, जस्ट बी पॉजिटिव, भगवान सब ठीक कर देंगे, सो जाओ तुम। जल्दी आ जाओ। नरेशा! नरेशा! वाह अंकिता वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, कितना कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन नरेन के लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। रौनक, तुम रौनक, तुम्हारी वजह से मैंने 5 साल जेल में काटे, 5 साल अंकिता, 5 साल। उन 5 सालों का हिसाब तो देना होगा ना तुम्हें, और वो तुम दोगी इस कैद ने
पांच नहीं अपनी पूरी जिंदगी बिताकर यहां पर वही दर्द वही घुटन महसूस करोगी तुम जो मैंने 5 साल तक महसूस की है। यहीं पर सड़ोगी तुम, यहीं पर सड़ो। जेल से छूट गया हूं मैं और मैंने ही तुम्हें किडनैप करवाया। अब तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा ना अंकिता जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तुम मुझसे अपनी जिंदगी की नहीं मौत की भीख मांगोगी, मौत की। और अब तो तुम्हारा सच्चा प्यार भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता क्योंकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी यही कटेगी। घुट घुट कर मरोगी तुम, घुट घुट कर, समझी अंकिता, यही मरोगी तुम। लेकिन 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 अपना एक काम तो निपटा लूं। सुना है मानव देशमुख की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई हो तुम, तो उसमें से अपना हिस्सा तो ले लूं। रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो, अंकिता मेरे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत और जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरी हर बात मान लो। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? और अंकिता से मेरी बात कराओ। हेलो, मैंने कहा ना अंकिता से मेरी बात कराओ, कहाँ है वो? कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। भाई तुम्हारे दिल में अभी भी अंकिता के लिए कितना प्यार है। क्या चाहिए तुम्हें? नरेन, क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या चाहिए अंकिता को छोड़ने के लिए? 5 करोड़। क्या? 5 करोड़? 5 करोड़ नरेन? मतलब तुमने पैसों के लिए अंकिता को किडनैप किया है? एक्चुअली वजह कोई और है, लेकिन वो मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा। हमने तो तुम्हारा नंबर अंकिता के फोन से लिया पैसे मांगने के लिए। तब तो हमें पता भी नहीं था कि तुम उसके कौन हो, लेकिन अब लगता है कि बहुत गहरा रिश्ता है तुम्हारा उससे। देखो अंकिता इस फैमिली और हम जो। हेलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। रात भर में पैसे जमा करो, फोन करके तुम्हें बता दूंगा कि पैसे लेकर कहाँ आने, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले मेरी अंकिता से बात कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठीक भी है या नहीं। ओह, भरोसा नहीं है तो ठीक है, अगर आज रात तक पैसे नहीं आए तो अंकिता की डेड बॉडी ले जाना, ठीक है? नहीं नहीं रुको, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ, तुम अंकिता को कोई तकलीफ मत देना प्लीज। नरेन, ये क्या? 5 करोड़ क्या? सबको उठाओ, सबसे बात करनी है। जहां तक मुझे पता है तुम और नरेन अब पति पत्नी तो रहे नहीं, लेकिन आज भी उसकी आवाज में तुम्हारे लिए वही प्यार दिखता है जो पहले हुआ करता था। लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो प्यार दिख ही जाता है। इसका ध्यान रखना। अरे अरे नरेन, क्या हो गया? क्या तूने इस तरह हम सबको क्यों भुलाया बेटा? क्या हुआ बोल ना, अंकिता के साथ। अरे एक मिनट एक मिनट, उन किडनैपर्स का फोन आया था और उन्होंने अंकिता को छोड़ने के लिए 5 करोड़ मांगे। क्या? 5 करोड़? आपकी बात हुई ताई से? कुछ कह रही थी, कैसी है वो? लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है ना? मानजी रिलैक्स, मानजी। नहीं, वो उन्होंने पैसे मांगे, इसका मतलब उनका मोटिव सिर्फ पैसा है। वो ये जानते होंगे अगर अगर अंकिता हर्ट हुई तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि अंकिता ठीक ही होगी, वो लोग उसे कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे भी लगता है, बस पैसे अरेंज करने हैं। आजी, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। नहीं 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 नहीं, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते,
उन किडनैपर्स ने धमकी दी है कि अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो लोग। एक मिनट, हम उसके किडनैपर्स को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वो कुछ नहीं करेंगे अंकिता को। हाँ, और वैसे भी 5 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है कि हम ऐसे किसी को दे दें। पुलिस के पास जाइए, उनको 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, उनको जो चाहिए वो दे दीजिए, बस ताई को सेफली घर ले आइए प्लीज। अच्छा तुम खाओ मत, देखो मनु वो गुंडे बहुत खतरनाक थे, उनके पास गन्स थी, शायद उन लोगों ने मुझे जिंदा इसलिए छोड़ा ताकि मैं बता सकूं वहां हुआ क्या था, उनकी ताकत का हमें अंदाजा, और हम ताई के लिए कोई रिस्क ना ले। ठीक है, माना कि उसके किडनैपर्स बहुत खतरनाक है, लेकिन हम कैसे उन पर भरोसा करें? मतलब पैसे लेकर भी क्या भरोसा है कि वो अंकिता को छोड़ देंगे? पलट गए तो समझदारी पुलिस में जाने के पास में है। I really think so. नहीं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अगर उन्होंने ताई के साथ कुछ कर दिया। नहीं मनु, एक मिनट, हम कैसे भी करके ये 5 करोड़ इकट्ठा करेंगे और किडनैपर को दे देंगे। लेकिन इसमें हम पुलिस को शामिल नहीं करेंगे। अभी घर में अर्चना और मानव नहीं है तो ये फैसला मैं ले रही हूँ। मेरी पोती के सामने ये 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारी अंकिता के बारे में पता चला है। जल्द से जल्द उसको छुड़वा कर घर लाएंगे और हमारी अंकिता पापा की कृपा से हमारे साथ होगी। मुझे भी ये लगता है। हाँ जी, ठीक कह रही है, हमें यही करना चाहिए। अब बस फोन के आने का वेट करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी और कल हमारी अंकिता हमारे साथ होगी। से बात कर लिया और पैसे अरेंज करने जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन में ये हो पाना ज़रा मुश्किल है। नहीं, तुम कोशिश करते रहो, पापा कामयाबी जरूर देंगे, डर नहीं। अरे मैं भी आता हूँ। मॉम, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये कंपनी, सब कुछ अंकिता के नाम पे है। अब वो ये सब बेच के पैसे लाए या फिर कंपनी फंड से, हम लोग क्या कर सकते हैं? और वी जस्ट बेगर्स, नॉट दी ओनर्स। हाँ, आज हम ओनर्स नहीं है, लेकिन कल तो हो सकते हैं ना परी, ये भी तो सोचो। तुम भी सिर्फ उतना करो जो मैंने तुम्हें कहा है, तुम बस ऑफिस जाओ, रेगुलरली ऑफिस जाओ, वहां पर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, जस्ट कलेक्ट ब्राउनी पॉइंट्स। बट उससे क्या होगा? जस्ट छोटा मोटा प्रमोशन या फिर मामूली सा इंक्रीमेंट, दैट्स इट। अरे सुनो प्लीज, रिजल्ट्स का छोड़ो, जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। ये नरेन और शशांक पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं, इतना सारा पैसा कैसे निकालेंगे आई हैव नो आइडिया, लेकिन एक बात मुझे पता है। क्या? मानव और अंकिता के सिग्नेचर के बिना कंपनी फंड से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता, और ना यहाँ पर मानव है ना यहाँ पर अंकिता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं मॉम, ये कंपनी आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, ये पैसा मैं अंकिता पे वेस्ट नहीं होने दूंगी। गुड, तुम ऑफिस जाओ एंड जस्ट मेक श्योर
ऐसा ही हो परी। नहीं की जाती है। तुम्हारा इस घर से किसी से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही तुम अंकिता की सगी बेटी हो। तो मुझे ये लो आशी। मैंने कल एक साड़ी के टुकड़े किए थे, उसी बात को लेकर किनारी आंटी ने घर सर पर उठा लिया था। अब आज रात को